पूर्वी दिल्ली नगर निगम में रहने वालों को हाउस टैक्स की तरह अब कूड़ा चार्ज भी देना होगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुताबिक लोगों को अनिवार्य रूप से टैक्स देना होगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने स्वच्छता को गाइडलाइंस बनाया है, जिसको साकार करने की कोशिश की जा रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम निजी कंपनी के हाथों में एक जिम्मेदारी को सौंपने जा रहा है। प्राइवेट कंपनी का काम हर घर से सूखा और गीला कूड़ा उठाना होगा, जिसके लिए हर घर से प्रति महीने चार्ज वसूला जाएगा। कूड़ा जो हम घर से अभी भी कूड़ा अगर देते हैं तो हम भी कूड़े जो हमारे घर से ले जाता है उसको भी अब पैसा देते हैं, उसी के हिसाब से हम ये करने जा रहे हैं ताकि कोई कूड़ा रोड पर न फेंके, अनुतराई जो कूड़ा लोग डालते हैं वो कूड़ा न डालें और लोगों को एक सुविधा मिले। वेटेशन करने जा रहे हैं, जो प्राइवेट जिसको दे रहे हैं वो घर घर से कूड़ा उठाएगा, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा दो दो डब्बा हर घर में उठाने के लिए नीला डब्बा और हरा डब्बा दो डब्बा देगा। इसके बाद वो कूड़ा को अलग अलग करके लेगा, हर घर से कूड़ा लेने के बाद वो कूड़ा को यार्ड में ले जाएगा, वहाँ से जो कबाड़ उसमें से वो निकालेगा और कबाड़ को भी वो बेच करके MCD को उससे भी रेवेन्यू मिलेगा। आपके घर में कूड़ा है या नहीं, इससे MCD को कोई मतलब नहीं। हर घर को कूड़ा चार्ज देना होगा, इसके लिए रेट भी तय कर दिए गए हैं। जिस तरह से हम हाउस टैक्स लेते हैं, हाउस टैक्स कन्वर्जन टैक्स जो भी टैक्स मैंडेटरी है, वैसे ये भी टैक्स मैंडेटरी होगा, हर लोगों को देना होगा और हर लोगों के अपनी उन पर ये भी हो जवाबदेही हो कि हमारे घर से कूड़ा जाए। अगर कोई कूड़ा उनके घर नहीं ले जाता है तो वो एक नंबर रहेगा जिस पर वो फ़ोन करके कंप्लेन भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ से कूड़ा नहीं गया। और इसमें क्या है कि कूड़ा लेना भी स्वाभाविक है कि कूड़ा लेगा ही, क्योंकि जो उसको हम लोग प्राइवेट देने जा रहे हैं उसको टन के हिसाब से हम पैसा देंगे। जब टन से हिसाब से पैसा देंगे तो उसको यह है कि कूड़ा उठाएगा तभी उसका टन होगा, कूड़ा नहीं उठाएगा तो टन हो नहीं सकता है। कबाड़ से कमाई करने की योजना जल्द ही शुरू होने जा रही है, जिसके जरिए आर्थिक किल्लतों से जूझ रही MCD को कमाई के साथ साथ हर गली मोहल्ले की सफाई होने की भी उम्मीद है। संदीप कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली।